हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आ गया हूँ आज रांची का जो एयरपोर्ट है वहाँ, और आप पीछे देख सकते हैं ये है रांची के एयरपोर्ट। अंबिकापुर से सफ़र करते हुए आए हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो मेरे भैया हैं वो उन्हें छोड़ना था और वो दिल्ली को जाएंगे यहाँ से, तो फिर मैं सोचा चलिए मैं एक वीडियो बना लूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं रांची आया हूँ। मौका और अवसर तो बहुत मिलते थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता था, क्या है कि मैं लंबा सफ़र नहीं कर पाता हूँ ना इस तरह से। तो पीछे आप देखते तो एयरपोर्ट ये बाहर का दृश्य, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। अंबिकापुर से कहना चाहिए कितना 5 से 6 घंटा लगता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ठीक नहीं है ना, और कहना चाहिए 300 किलोमीटर तक पड़ जाता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। अब ये रास्ते डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी पहुँच पाते हो यहाँ, ठीक है। बिरसा मुंडा विमान क्षेत्र झारखंड स्थित हवाई अड्डा है। इसका प्रबंधन भारतीय विमान पतन प्राधिकरण करती है। यह भारत का हवाई अड्डा है जो रांची के हिंदू मोहल्ले के समीप स्थित है और मुख्य शहर से लगभग कहना चाहिए जिसान मुख्य शहर का 7 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल में यह एक भारत का 25वां व्यस्त यौन क्षेत्र है। इसका नाम झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर दिया गया है। तो फ्रेंड, ये है पार्किंग स्थल जहाँ आपको पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है। ये है अंदर का एरिया, और इस जो एयरपोर्ट का जो कोड है वो है IXR। तो ये जा रहे हैं अंदर की ओर, ठीक है। बाकी जो भी चेक करना होगा वो वहाँ करेंगे। चलिए हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। वर्तमान में यहाँ एक ही टर्मिनल है। इसे 24 मार्च 2013 को खोला गया था। यहाँ 3 और विमान पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला किया है, जिससे यह भारत का पहला Tier 2 विमान क्षेत्र बन जाएगा, जिसमें 8 विमान पार्किंग स्टैंड हो। यह रात में यहाँ लैंडिंग भी मूव थे, ताकि सुबह में महानगरों के लिए यहाँ उड़ान हो सके। तो यह बाहर से आप एयरपोर्ट का व्यू देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है आने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ता है, इसलिए आपको 1 से 1.5 घंटा पहले बुलाती है एयरपोर्ट के जो मैनेजमेंट है वो, ताकि आप यहाँ पूरी चीज़ को क्लियर कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर किया जा रहा है, सीट क्लियर है या नहीं, या फिर कैसे करना है कुछ भी चीज़, आप जब आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ अब क्या करें, चेक करें ताकि जो यात्रीगण है वो अंदर जा सकें। तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है वो काफ़ी मेंटेन किया गया है। अब बात करते हैं कि पुराने टर्मिनल को अब एक कार्गो टर्मिनल में बदल दिया गया है, जिसे 10 फरवरी 2017 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास सिंह ने उद्घाटित किया। तो फ्रेंड, आप यहां देख सकते हैं साफ साफ कि कहां से मेन गेट है और किधर से चेक हो रही है। तो लास्ट टाइम मैं आपको दूसरे साइड से मैं इसका सामने का व्यू आपको दिखा रहा हूँ, बिरसा मुंडा विमान पत्तन, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में ही। और आप देख सकते हैं जो इस तरह का जो एरिया है, इधर आपको पार्किंग करना पड़ता है गाड़ी को, आप इसी में से गुजर के आगे जाएंगे। काफ़ी अच्छा बना हुआ है और चौड़े चौड़े यहाँ रास्ता करना चाहिए। अभी तो फिलहाल में लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कम विमान जा रहे हैं आ रहे हैं इस तरह से। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ, पार्किंग स्थान तरफ चलता हूँ जिधर कार रखे जाते हैं, और फिर उसमें निकल जाऊंगा। यहाँ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जब भी इसे देखता हूँ मैं इस तरह से झंडे को, तो सच में सेनानियों की मेरे को याद आ जाती है, बहुत ही अच्छा। चलिए दोस्त, तो आप देख सकते हैं कुछ कार रखे हुए हैं, मतलब वो स्टार्टिंग का पार्किंग है। पहुँच गया पार्किंग स्थान तक में। यहाँ से आप कार रख सकते हैं इधर, और समय के हिसाब से आपको पैसा भी देना पड़ता है बाहर जाने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, अंबिकापुर से आए, हमारा जो अल्टोज है काफ़ी अच्छा साथ दिया, चलो अच्छी बात है। तो अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, आप देख सकते हैं इधर अंदर भी काफ़ी बड़ा पार्किंग स्टैंड है, आप कहीं भी रख सकते हैं कार को। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े जगह पे पार्किंग स्थान बनाया गया है, ताकि यात्रीगण को कभी भी जो इन्हें ड्रॉप करना आते छोड़ने आते उनके उन्हें जो है प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।